नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि पूरा मामला सिदाई थाना क्षेत्र के बेलनाडी गांव का है। पीड़ित जगपाल चौहान ने बताया कि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय राजनाथ चौहान हमारे साथ रहती हैं। उनकी तबीयत वृद्धावस्था कारण अक्सर खराब रहती है, जिसका देखभाल मैं और मेरा परिवार करता है। मेरे माताजी पिताजी के देहांत के बाद पेंशन लगभग 20,000 रुपए पाती है और दिल्ली में एक मकान है जिसको बेचने और पेंशन को लेकर मेरी बहन सीमा चौहान पत्नी संतोष चौहान निवासी छतवारा और उसके पति आए दिन हमारे घर पर आकर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। ऊंचे रसूख वाले हैं जो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और बार बार पैसे की मांग करते हैं। पीड़ित का छोटा भाई जो आपराधिक किस्म का है, जिसके विरुद्ध थाना सिदारी में आपराधिक मुकदमा व अन्य थानों में गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज है, वो भी बहन के साथ मिलकर हमें प्रताड़ित करता रहता है, जिसकी शिकायत हमने स्थानीय थाने पर की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित आज अपनी जान माल की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कराकर उपरोक्त लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कराकर हमें न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम जगपाल चौहान है। कहाँ का रहने वाला सर? बेलनाडी। थाना कौन पड़ी? थाना सिदारी सर। तहसील? तहसील सदर। का मामला है कि आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय? सर, मामला सर यही है कि हमारी जो सिस्टर है, छोटी बहन सीमा चौहान, वो सर हम लोग को डिस्टर्ब करती है। क्या करती है? डिस्टर्ब ये करती है कि मतलब पैसा कोई जरूरत हो तो हमारे यहाँ शादीशुदा है। जी, शादीशुदा है और हमारा माता जो पेंशन पाती है 20,000 रुपये, अपने घर चलाते हैं खर्चा पानी, तो ये सर आती है मांगने के लिए, हम मना कर देते हैं कि हम सर अपना देखेंगे दूसरों को देखेंगे। वही जब मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू करती है, मेरा हिस्सा चाहिए, हिस्सा मांगने आती हैं। क्या पहले ऐसी कोई बात हुई थी कि उनको हिस्सा दी जाएगी? सर वैसे पहले बात नहीं हुई थी, जब से हमारी जो पैसा इसको जब भी शुरू से मांगते लेते देते चले आए सब माता पिता जी, तो वही सर उसकी यहाँ लोगों को आदत पड़ गई है। तो आपके माता जी का क्या कहना है? माता जी कहना यही है कि भाई हम नहीं दे सकते पैसे। हाँ, तो इतना कर सकते हैं कि हार मानने पर कुछ सपरे का देंगे, नहीं सपरे आप नहीं दे सकते पैसे। इसकी शिकायत आपने पहले कहीं की थी? पहले सर तो अभी नहीं की थी, अभी करने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि अपने घर रहे, हम लोग को जो भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो मामले में दखल दर्ज ना करें।